नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पाथफाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। इसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पे विज़िट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो हमारा ऐप जो है EPF अलर्ट, आप उसको भी प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एप्लीकेशन निकाली गई थी NDA और एन एग्ज़ाम 1 की 2023 में, उसका जो आंसर की है वो रिलीज़ हो चुकी है। इससे जुड़ी बाकी की जो भी जानकारी है वो मैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू दूंगी। तो बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ जिनके द्वारा जारी किया गया है। बाकी की अन्य जानकारी के लिए यहाँ पे अटैचमेंट्स है जिनको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। जो आंसर की नोटिस है इसको भी आप यहाँ से डाउनलोड करके गो थ्रू कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे आंसर की गिवन है, तो अगर आपने एग्जाम दिया था तो आप आंसर की को सीरीज के हिसाब से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन वाइज जो आंसर है वो भी जारी कर दिया गया है। आंसर की नोटिफिकेशन हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। मैंने आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी सुनिश्चित कर दी है। इससे रिलेटेड अपडेट से बने रहने के लिए आप इवेंट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो डिस्कस बटन पर क्लिक करके हमारे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पे विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे राइटर रिप्लाई का सेक्शन है, यहाँ पर आप रिप्लाई करके इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं फेलो कैंडिडेट्स के साथ। ये अलर्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन सेक्शन वाइज बाइफरकेटेड है, अपडेट UPSC से रिलेटेड है। तो टॉप ऑर्गेनाइजेशन में आकर जब आप इसको ओपन करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इवेंट है वो आपको इजीली मिल जाएगा। तो आप इजीली इवेंट को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे इस तरह से इवेंट शो हो रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।